मध्य प्रदेश में देसी पिस्तौल खरीदने आए पंजाब के कुछ युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने के प्रयास किए, लेकिन कुछ आरोपी भाग निकले और एक आरोपी को पुलिस ने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर से 200 किलोमीटर दूर बड़वानी जिले की वल्ला तहसील का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि तहसील के 29 गाँव में 4-5 युवक अवैध रूप से देसी पिस्तौल खरीद कर लौट रहे हैं। इस पर नागलवाड़ी थाना पुलिस ने हरियाणा की कार की घेराबंदी की। कार चालक भागने का प्रयास करने लगा और उसने टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया। इस बीच अंधेरे का लाभ उठाकर उसमें सवार 4 युवक भाग निकले, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से एक पिस्तौल और 3 कारतूस जब्त किए। पूछताछ में पंजाब स्थित मोंगा के आरोपी राजन सिंह पिता सुखबीर सिंह ने बताया, कार में 5 युवक थे जो मोड़ा गांव पंजाब के थे, वे भी पिस्तौल खरीदने आए थे। फिर द्वारा सूचना मिली थी कि हरियाणा पासिंग गाड़ी जिसका नंबर है 8007 और I-20 जैसी गाड़ी है सफ़ेद रंग की, वो बलवाड़ी तरफ से सेधवा तरफ आ रही है। उसका पीछा किया गया। जब पीछा किया गया तो उसने टोल बैरियर से यू टर्न करके फिर वापस आ रही थी। जब उसने देखा कि काफ़ी पुलिस इसका पीछा कर रही है तो उसने उसके 5 आदमी गाड़ी छोड़कर सुनसान स्थान तरफ भाग गए। बिश्देव सिंह परिहार की टीम ने सर्चिंग किया तो एक आरोपी जिसका नाम है जबर जंग सिंह, जो मोगा पंजाब का रहने वाला है, उसको पकड़ लिया। उसके पास से एक 9mm पिस्टल और 3 राउंड मिले। गाड़ी का जब सर्च किया गया तो गाड़ी में एक पिस्टल और कुछ और सामान मिला है उसमें, जो पहनने ओढ़ने के सामान है। थाना सेधवा ग्रामीण में जबर जंग सिंह और उनके साथियों के खिलाफ 25, 27, 68 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।